जांजगीर जिला के जय जयपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरलीडी के किसान कार्तिक रामचंद्रा हर साल की तरह इस साल भी अपने 8 एकड़ की जमीन पर लौकी की फसल लगाते हैं, जिसे वह अपने घर का जीवन यापन चलाते हैं। परंतु इस बार देश में चल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते किसान कार्तिक रामचंद्रा इस बार भी 8 एकड़ जमीन पर लौकी का फसल लगाए हुए हैं। ठीक बिक्री के समय लॉकडाउन होने से लोगों का आना जाना, गाड़ी मोटर बंद हो जाने से लौकी का फल बिक्री नहीं हो पा रहा, जिसके चलते पूरा फल खराब हो गया। इस कारण किसान कार्तिक रामचंद्रा बहुत दुखी है कि वह इतना पैसा खर्च कर फसल लगाया था, परंतु लॉकडाउन के चलते लौकी की बिक्री नहीं हो जाने के कारण लोगों से कर्ज लेकर खाद वगैरह लेकर छिड़काव किया गया था। उसका किस प्रकार कर्ज चुका पाऊंगा? उनका कहना है कि इस वर्ष मुझे 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे मैं अभी खाद बीज का जो कर्ज है उसके साथ साथ मजदूरों का भी जो कर्जा है उसे अदा नहीं कर पाया हूँ। शासन से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस फसल के नुकसान को देखते हुए कुछ सहयोग राशि दे देंगे तो मैं इस कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, वरना मैं कर्ज से लदा ही रह जाऊंगा। समस्या है भैया कि अभी मैं हर लौकी की फसल लगा रहे हैं। कई एकड़ में? 8 एकड़ में मैं लगा रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो पैदावार कैसे हुई? पैदावार तो भंफार पैदावार हुई से, लेकिन बिक्री अभी जो कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के चलते एक मुश्किल से 1-2 गाड़ी बेचे पा रहे, फिर लॉकडाउन आ गई। अच्छा, तो लगभग कई एकड़ में लगा रहा? मैं 8 एकड़ में लौकी की खेती कर रहे हैं अभी। तो अब आप क्या कर रहा था? अभी ये हर एकरे कर्जा नहीं छुटा है, अभी बीज के पैसा नहीं दवा है, खादू के पैसा नहीं दवा है। तो बाड़ी में आपके क्या समस्या है? बहुत ज्यादा समस्या भैया, सब नुकसान हो गए, सब पूरा फसल लगे उपजा के बाद भी फेंका था। अच्छा, लगभग कतक के नुकसान हो गए आपके अंदाजा से? समथिंग 8-10 लाख रुपया के हो गई भैया। तो आप कुछ चाहा था शासन से? अब शासन से जो भी शासन हर किसान के लिए जो उचित है वो कर रहे, कर ही तब होगा लाभ लेबो भैया हम। अच्छा, एकर लिए आप मन आगे कोई दे है कुछ कागज वगैरह? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन अब देखो देख तैयारी करे हन, दीक्षा पड़ी करा जात हन। अब पूछा था साहब मन ला की कैसे टाइप के हो ही करके। टीसीपी 24 न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।